Hey foodies, what's up? मैं दिलबीर सिंह, फूड ट्रेंड्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का मौसम बहुत ही मज़ेदार है। आप बैकग्राउंड देख के तो देख ही रहेंगे, ब्लू है, मैंने भी ब्लू पहना है। तो मैं आज रांची के बहुत ही लग्जरियस होटल रेडिसन ब्लू में आया हूँ। बैकड्रॉप तो आप देख ही सकते हैं, कैरामेल जो कि रेडिसन ब्लू का ब्रांड है। एक यहाँ पे बहुत ही अच्छे लाइट रिफ्रेशमेंट्स से लेके बेकरी के प्रोडक्ट्स और सिंपल स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार, तो आपको मैं खिलाऊंगा आज रेडिसन ब्लू के कैरामेल। सो गाइज, मैं यहाँ पे कैरामेल में हूँ एंड डैंगलर देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं वो नहीं पी रहा हूँ जिसका डैंगलर दिख रहा है, मैं कॉफ़ी से स्टार्ट कर रहा हूँ। डिज़ाइन बने हुए हैं, कॉफ़ी के साथ एक रस्क या कुकीज सर्व होते हैं एंड हमारे साथ है होटल रेडिसन ब्लू के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड मिस्टर दिवेश जी। थैंक यू सर हम लोग को यहाँ पर बुलाने के लिए एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है वीडियो के थ्रू, हमारे थ्रू, एंड दिवेश ये बताएंगे कि क्या मज़ेदार आइटम है। तो हम लोग कॉफ़ी से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे कॉफ़ी तो आप जानते हैं कि कितनी पसंद है। सो लेट्स हैव कॉफ़ी एट कैरामेल। कॉफ़ी बहुत ही अच्छी है। सर, कैरामेल के बारे में बताइए। सी, कैरामेल रांची का, दिस इज़ अ ओनली रेस्टोरेंट जो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देता है। एक फाइव स्टार होटल में इट मेक्स यू रीच एट अ वेरी स्पेशल प्राइस। इसको बनाने के पीछे दिस वाज अ गुड रीज़न टू मेक इट रीचेबल फॉर ऑल। और जो प्राइसिंग है और जो मेन्यू है, दैट इज़ द रियल ट्विस्ट ऑफ दिस आउटलेट। कैरामेल इज़ द बिस्ट्रो, बिस्ट्रो मीन्स इनएक्सपेंसिव। कैरामेल की मैं एक बात बताऊँ कि ये रेडिसन का ब्रांड तो है, बट यहाँ के जो आइटम्स है, यहाँ के जो डिशेज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। आप दूसरे रेस्टोरेंट से एंड फाइव स्टार रेस्टोरेंट का कंपेयर करोगे तो आप फाइव स्टार में बैठ के भी एक पॉकेट फ्रेंडली डिशेज खा सकते हो और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। आपको कभी भी यहाँ आने के लिए प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट में हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, नियर बाई है, फ्रेंड के साथ है, मीटिंग करना है, आप इजली कम डाउन कर सकते हैं। होटल के एंट्री पर है ये। वंस यू एंटर टू द होटल, आपको सामने कैरामेल दिखेगा। यू कैन ईजली कम इन एंड यू कैन ऑर्डर एंड एक्सपीरियंस द वाव ऑफ टाइम स्पेंड ड्यूरिंग दैट विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स, पार्टनर्स। साइज देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। तो सर, ये इसको खाते कैसे, बोलते क्या है? सर, दिस इज बेसिकली अ प्रोजो सैंडविच और ये हम लोग ने किया है। व्हेन यू लुक एट द साइज ऑफ द प्रोजो सैंडविच, इट इज क्वाइट फिलिंग, सो इट कैन ऑल्सो बी टेकन फॉर अ लंच और फॉर अ हाई टी ऑल्सो, एंड इट्स वेरी इजी एंड अ क्विक प्रिपरेशन। तो उससे क्या होता है कि व्हेन ऑफिस गोइंग पीपल, व्हेन दे वांट टू यूज द ऑफिस आवर्स एंड ग्रैब एंड अ क्विक बाइट, सो दिस इज व्हाट वी ऑफर टू द गेस्ट। यू हैव सम थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग अलोंग विद दैट, सम फ्रेंच फ्राइज आल्सो टू गो अलोंग विद दैट। सो इट्स बेसिकली सम्स अप योर लंच एज वेल एज योर एपेटाइट आल्सो। रोजो सैंडविच, ग्रैब, कट एंड इजीली बीन ईटन। You can either use your knife or fork, or you can use your hand also. Quick bite for your delicacy. Please, sir. Okay, little bit of a dip. I'll help you out with that. Here you go, sir. How was it, sir?
आप लोग वेट कर रहे होंगे मैं बताने का, क्योंकि मैं खा रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार है। हाँ जी, और इट्स माइंड ब्लोइंग जो आप सब कुछ सुनना चाह रहे थे। फ्रेंच फ्राइज भी टेस्टी है सर, इसकी जो फिलिंग बहुत ही मज़ेदार है। और फ्रेंच फ्राइज के साथ ये सर्व होता है, साथ में इसका जो मेयोनीज डिप है बहुत ही मज़ेदार है। भैया मेरा तो लंच यहीं पे हो गया, एंड आप अगर मेन रोड में हैं, एक अपनी मीटिंग छोटी सी प्लान कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आप यहाँ से बहुत ही अच्छा खासा स्नैक आप खा सकते हैं, पार्सल कर सकते हैं, टेक अवे कर सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। सो दिस इज यम्मी मैक एंड चीज़। वाह, ये इसके साथ वाइट चीज़, वाइट सॉस एंड येलो इसको बोलते हैं, जैसे चडार, चडार जो इंग्लैंड का चीज़ है, जैसे रीच करते हैं इसको, इसमें गार्लिक का फ्लेवर और ऑनियन का फ्लेवर होता है, और ये चीज़ी होता है पूरा, इसको बेक करते हैं बेसिकली, और ये इंग्लैंड का बहुत खुद नहीं लगा है फेमस डिश है। मेरे को चाहिए अब, तो मैं ये टेस्ट करता हूँ एंड बताता हूँ आपको कैसा है। आप देख सकते कितना चीज़ी है ये, और बहुत ही इसकी जो फिलिंग है बहुत ही मज़ेदार। वो ऑनियन एंड गार्लिक फ्लेवर है, बहुत मज़ेदार। मैं हर एक डिश में तो माइंड ब्लोइंग बोल नहीं सकता, बट माइंड ब्लोइंग आइटम है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि मैं खा रहा हूँ, मीन्स इट्स माइंड ब्लोइंग। एंड सर बहुत ही मज़ेदार डिश है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मैं आप लोग भी कंपनी मुझे दे कर, हम लोग तो हमेशा खाते रहते हैं, लेकिन एज पर योर रिक्वेस्ट सर वी विल ऑल्सो हॉक इन टू इट। फैंटास्टिक, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिशेज ऑफ कैरामल सर। तो हमारा कैरामल रेस्टोरेंट में सर व्हाट वी हैव इज दैट वी हैव अ लेडी शेफ आल्सो, ओके, एंड वी हैव अ लेडी सर्वर आल्सो। इट्स बेसिकली, हेलो मैम, हाउ आर यू? सो लेडीज वुमेन्स ओरिएंटेड रेस्टोरेंट इज आल्सो देयर, वेयर अ लेडी शेफ इज कुकिंग द पास्ता एंड द फूड एंड अ लेडी इज सर्विंग द डिशेस आल्सो, सो इट हैज टू वुमेन्स एलिमेंट कमिंग टुगेदर सर। That is also part of the one of the USPs of Caramel Restaurant. Sir, exactly, sir. With the cream kesat, yes. And now we can sip into the six. दोनों का combination बहुत ही मज़ेदार है, and ये it's a perfect for evening snack. गर्मियों में खास करके pasta and आपका कूलर भी बोल सकते हैं हम लोग, वॉट एवर रिफ्रेशिंग फॉर द समर इज कूलर। वैसे ये तो मेरा फेवरेट है, मैं यहाँ पे रेडिसन जब भी आता हूँ हम लोग वी सेट एंड हमारा कोल्ड कॉफ़ी तो हमारा फेवरेट है। तो दोस्तों आज मैंने इतनी सारी चीज़ें खाई एंड आपको भी दिखाई, तो उसके साथ ही साथ मैं आपको हमारे गेस्ट हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं, इवन लर्न कर सकते हैं कि आप आपके यहाँ जो गेस्ट आते हैं उनको डेजर्ट्स की जो प्लेटिंग होती है कैसे डेकोरेट की जाती है, कैसे प्लेटिंग की जाती है। घर पे अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, तो उनके स्वागत के लिए आज हमारे शेफ़ आपको बताएंगे कि घर पे मेहमान को वेलकमिंग के लिए प्लेटिंग कैसे तैयार किया जाता है, तो वो आज हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, और इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है, और हमारे जो शेफ़ है संतोष जी बहुत अच्छे से हमें बताएंगे, टेस्ट भी करेंगे, बट उससे पहले लाइव प्रिपेयर होते हुए देखेंगे एंड हाउ द शेफ़ प्रिपेयर्स। तो शेफ़ से बात करते हुए आज हम लोग इन्जॉय करेंगे। आइए,
थैंक यू सो मच। मैं आपको जो फेमस नहीं है सबसे ज़्यादा सेल होती है ब्लूबेरी करके, जो कि नेचुरल है, जो कि रांची में कहीं नहीं मिलती है। दिस इज लाइक सकते हैं हेल्दी पार्ट हम लोग केयर करते हैं गेस्ट को, ज़्यादा स्वीटी ज़्यादा मीठापन नहीं है, बेरी है जो कि हेल्दी पार्ट में रखता है और खट्टापन में साथ में आता है। इसको प्रेजेंटेशन में शुगर करते हैं, गेस्ट को पिकअप करने के टाइम हल्का सा बॉर्न आइसिंग शुगर टच करते हैं, जस्ट लाइक टू स्नो कोन, स्नो स्नो को टच देते हैं गेस्ट टू फील टू द बॉर्न ऑन द सेल टू 5 मिनट्स। ओके, ये तो फील ही चेंज हो गया, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। इट टेक्स सेकेंड्स एंड टेक्निक्स जो आपको कम्प्लीट फील चेंज कर देता है। really, really आप, nice, sir. आप उसे अपनी आँखों से भी टेस्ट लेते हो। तो दोस्तों आप शेफ हमारे सर ने बता ही दिया कि आप अपनी आँखों से भी टेस्ट ले सकते हो। अब आपके पास एप्पल पाई एंड इसको। अब प्लेटिंग सीखने के बाद अब हम लोग इस प्लेट को एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से शेफ ने हमें प्लेटिंग करना सिखाया और हमारे साथ में बहुत अच्छी अच्छी डेजर्ट सामने पड़ी हुई है, तो उसको एंजॉय करते हैं। एंड आपको मैं बताता हूँ कितना मज़ा आने वाला है और आपको देख के भी बहुत मज़ा आने वाला है। आई होप आपको ऑलरेडी इतना मज़ा आ चुका होगा कि आप अपना सोचना शुरू कर दिए होंगे कि कब आप आ रहे हैं रेडिसन ब्लू रांची के कैरमेल रेस्टोरेंट में। मैं आपको टेस्ट करने से पहले एक शेयर करना चाहूँगा गेस्ट फीडबैक। ओके, ये हमारा एप्पल पाई प्रिपरेशन है। हाँ, ये डिश वन ऑफ द फीडबैक फ्रॉम आर गेस्ट वॉज ही एक्चुअली इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ओके, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे NRI, तो उन्होंने बताया कि आपका जो एप्पल पाई है दैट वाज बेटर व्हाट ही हैड इन ऑस्ट्रेलिया। वाह, आप सोच सकते हैं कि इंडिया की रांची के मार्केट रांची में रेडिसन ब्लू है एंड ऑस्ट्रेलिया के रेस्टोरेंट्स को मात दे रहा है। Dessert makes your dish complete. Dessert makes your lunch and dinner complete. ठीक है, बहुत ही मज़ेदार है। अब कप केक के बाद लेट्स हैव अ टेस्ट ऑफ एप्पल पाई। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार है और हमारे जो शेफ हैं बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिज़ाइन किया है। मैं चाहूँगा कि जो टेस्ट आप कर रहे हैं तो उसका फील आप व्यूअर जो देख रहे हैं उनको भी हो साथ में। आइए, एवरी बाइट ऑफ द पाई का एंजॉयमेंट आपको मिले वीडियो में। बहुत ही मजेदार, मगर सुनना चाह रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ।
माइंड ब्लोइंग, बहुत मजेदार। तो दोस्तों आपने देखा कि हम लोग ने बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें खाई है, मॉकटेल पिया है हमने, इटालियन डिश खाई है, बहुत ही मज़ेदार डिशेस खाई है, लास्ट में हमारा डिज़र्ट है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एंड आप सबको बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो क्वालिटी है बहुत ही ऑसम है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इवन क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पूरा पैसा वसूल है। साथ ही साथ में आपका जो भी है आपका जो दूसरे रेस्टोरेंट्स के हिसाब से है, इट्स वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली, आपकी पॉकेट इजीली अलाउ कर सकती है यहाँ पे आके। एंड डेजर्ट्स के साथ इटालियन डिश खाना, तो आप ये सब जो मुझे आप देख रहे हैं, थोड़े से हमारे जो कैमरा की टीम है हमारे साथ, शोएब जी है हमारे साथ, पत्रस जी है, एंड सबको हमें ये खाएंगे, एंड आप भी आइए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो कहाँ करूँ अपने कमेंट्स में, तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो करिए, एंड स्टे ट्यून्ड विद फूड ट्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।